पे आना नहीं, दिल लाना नहीं। अरे यार, किसने लाइट जला दिया? एनीवेज, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइम क्या है अभी? 7 बज रहा है, कल सोने में 12 बज गया। क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा था तो शिफ्ट वाज अबाउट टू एंड एट 10:30, बट आई हैड टू एक्सटेंड इट क्योंकि पावर कट हो गया था। सो जो डेफिसिट है उसको पूरा करना पड़ता है। एनीवेज, मैं चला ब्रश करने, बट उसके पहले मैं क्या करता पता है? उसके पहले आई ड्रिंक वाटर, वो भी इसमें। सो कोशिश करो कि सुबह उठ के ना एम्प्टी स्टमक 2 ग्लास, एटलीस्ट 2 ग्लास पानी पीने की कोशिश करो। इससे क्या होता है, हमारे जो मुंह का बैक्टीरिया है वो सलाइवा के थ्रू अंदर जाता है और फिर पॉटी करते हो बाहर निकल जाता है। एनीवेज, मैं चला फ्रेश होने। ब्रश करके फ्रेश होने के बाद मुझे फिर जिम के लिए निकलना है, ठीक है? आई नीड टू हिट द जिम बाय 8, ताकि यू नो मैं टाइम से वर्कआउट करके आऊँ एंड फिर मेरे को शिफ्ट भी करना है। तो सी यू आफ्टर ब्रशिंग। पता है सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? जब आपकी आँख ढंग से खुली भी ना हो और आप जब उठ के देखते हो ना, सरप्राइज, आप ये तो ले लेते हो हाँ, बट जब ये लेते हो ना तो देखते हो कि ये ख़त्म हो चुका है। अब आप ब्रश कैसे करोगे? दो ऑप्शन है, या तो आप इस पर जोर आजमाओ या तो दुकान जाओ। कमेंट करके बताओ कि आपके दोस्त ने क्या किया, दुकान गया या जोर लगाया। मैं मिलता हूँ आपसे प्री वर्कआउट मील के साथ, जो मैं जिम जाने के पहले खाता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप जिम को हिट कर पाओ एंड एनर्जेटिक रहो। और जिम जाने के पहले आपको प्री वर्कआउट मील कम से कम 40 मिनट्स पहले लेना चाहिए, ठीक है? सो सी यू। मेरी ट्रेन ना लेट चल रही है, आई मीन मैं जिम के लिए लेट हो गया हूँ। मैं ब्रश कर रहा था, पता नहीं कहाँ से भैया आंधी की तरह आया, तूफान की तरह बाथरूम में नहाने चला गया। मेरा वहीं पे टाइम वेस्ट हो गया। बाथरूम में एक लोग दो, बहुत नाइंसाफ़ी। एनीवेज, आई एम रेडी विद माय प्री वर्कआउट मील। लेट मी शो यू क्या होता है प्री वर्कआउट मील। सो दिस इज़ माई प्री वर्कआउट मील, ठीक है? देखो, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात है। दूध है, ओट्स है और 2 बनाना, 2 केले काट के मैंने डाल दिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 30 मिनट्स या 40 मिनट्स पहले प्री वर्कआउट मील में लेता हूँ, क्योंकि दूध है और ओट्स है तो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। सो एटलीस्ट यू शुड गिव 30 मिनट्स, उसके बाद आप जाके जिम हिट करो। खा लूँ? नज़र मत लगाना। खा के मैं मिलता हूँ जिम के लिए रेडी होके। सो रेडी फॉर द जिम। जिम के लिए मैंने क्या क्या लिया है अब चेक कर लो। सो दिस इज़ माई जिम बैग। मैंने टॉवल लिया है, बोतल लिया है वहाँ पानी पीने के लिए, शूज़ लिया है, और अगर आप देखोगे ना तो आई कैरी सैनिटाइजर विद मी, ठीक है? और फिर रुको 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 रुको, देखता हूँ। अरे यार, मिल जा। यस, सो ये रिस्ट बैंड है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो रेडी फॉर द जिम। मैं निकला बैग लेके जिम करने। सो मिलते हैं जिम के बाद। Ya vi que estás aquí.
tan cerquita de mí. Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh. Vamos a tomar toda noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que el dance solo junte nuestros cuerpos. Lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que el dance solo junte nuestros cuerpos. Muy lento. Más tarde vamos a enloquecer. Y si me dejas tú, cerquita de mí. Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Dime qué quieres. So, back from the gym. Aa chuka hu gym se. Bahut hi rigorous workout hua aaj. Achha khasa pump mil gaya hai physique ko. So, dekho. Abhi chal raha hai sawan and मैं अंडे खा सकता नहीं हूँ, क्योंकि छुप छुप के अंडा खाना मुझे पड़ता है, क्योंकि घर से अलाउड नहीं है. सो सावन है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 ग्राम पनीर खाता हूँ आफ्टर जिम. इट्स वेरी गुड फॉर योर रिकवरी. सो बस इतना ही वर्कआउट हो गया. अब मैं पनीर खा के उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगा, मतलब नहा लूँ उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगा. पोस्ट दैट मेरा शिफ्ट स्टार्ट होगा, शिफ्ट वही करूँगा. सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. Javi que estás aquí tan cerquita de mí.